हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी वीडियोस का अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं शिक्षा आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 154 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इन इकोनॉमिक्स व्हाट डज द टर्म यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस इंडिकेट। इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में एक टर्म हमेशा इस्तेमाल होता है, प्रिंसिपल स्टेटस इन प्रिंसिपल स्टेटस। तो ये क्या इंडिकेट करता है, क्या दर्शाता है आपको बताना है। तो उसका सही आंसर है बी, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट सी बहुत ज़्यादा है। तो आप ऐसे जो टर्म्स हैं जो कॉमनली यूज हो रहे हैं, करंट अफेयर्स में हैं, करंट में चल रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको पढ़ने की ज़रूरत है। जो यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस है हमारा, इज यूज टू इंडिकेट द एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। इन यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस द रेफरेंस इन द ईयर टू डिस्क्राइब द एक्टिविटी स्टेटस ऑफ अ वर्कर। अ पर्सन इज नोन टू बी एम्प्लॉयड इफ ही और शी इंगेज्ड इन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन 365 डेज। तो कोई तब तक एम्प्लॉयड नहीं माना जाता है, मतलब उसको अनएम्प्लॉयमेंट तब तक कंसिडर करते हैं जब तक उसको ज़्यादा दिन के काम ना मिले। कहने का मतलब अगर अदर वे में बात करें तो जिनको लगभग 365 दिन में लगभग 200-250 दिन के आसपास जिनको काम मिलता है उनको हम एम्प्लॉयड मानते हैं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपना अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। विद रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इवेंट्स। सॉरी, तो जो भारतीय आज़ादी की लड़ाई थी, भारत की आज़ादी की लड़ाई, तो उसके संदर्भ में तीन स्टेटमेंट है, तीन इवेंट अलग अलग हैं। आपको बताना है उसमें कौन सा इवेंट पहले आया था, कौन सा बाद में, मतलब अरेंज करना है बेसिकली। पहला है म्यूटनी इन रॉयल इंडियन नेवी, सेकेंड है क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड, और थर्ड है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस है सी, 3-2-1। यानी सबसे पहले सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था हमारा 1931 7 सितंबर को, फिर हुआ था हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 के आसपास, और तब आता है हमारा रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटिनी जो कि 1946 में हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द आर्कटिक काउंसिल। जो आर्कटिक काउंसिल हमारा उसके संदर्भ में चार स्टेटमेंट है, आपको बताना कौन सा सही है। तो उसका सही आंसर है डी, इट इज नॉट अ फॉर्मलाइज्ड ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल लीगल एंटिटी। कहने का मतलब ये फॉर्मल नहीं है या कोई ट्रीटी बेस्ड ये काउंसिल नहीं है इंटरनेशनल एक्टिविटीज को लेते हुए। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। इट फ्लरिश्ड इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी। इन इट्स अर्ली फेज इट डेवलप एन इंडिजिनस लाइन, द बुद्धा इमेज एग्जिबिट द स्पिरिचुअल फीलिंग्स इन हिज फेस। द बुद्धा आइडल जैना स्पीसमैन ब्रह्मानिकल इमेजेस और एंड इमेजेस ऑफ रूलर्स वर कार्व्ड आउट ऑफ रेड सैंडस्टोन। तो ये एक स्टेटमेंट दे रखा है कि एक चीज़ थी जो कि पहली सेंचुरी एडी में बहुत फ्लरिश हुई, काफ़ी प्रचलित हुई, उसमें इंडिजिनस चीज़ें यानी कि जो भारतीय कल्चर नज़र आता है, बुद्धा की इमेज है स्पिरिचुअल फीलिंग्स के साथ, बुद्धा की मूर्ति है, जैना के कुछ फीचर्स हैं और ब्राह्मण इमेजेस भी मिले हैं, और ये रेड सैंडस्टोन से बना है। तो आपको बता नहीं किस स्कूल ऑफ आर्ट की व्याख्या करता है। तो उसका सही आंसर है सी, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। विच अमंग द फॉलोइंग वर्क्स वाज और वर कंपोज्ड बाय आमिर खुसरो। आमिर खुसरो द्वारा इनमें से कौन से काम किया गया, मौत किताबें लिखी गई कौन से हैं। आपके ऑप्शन है पहला है तूतीनामा, दूसरा है मिफ्ता उल फुतू, तीसरा है नू सिफिर। तो इसका सही आंसर है बी, 2 एंड
थ्री ओनली, यानी कि सिर्फ आपका मिफ्ताहुल फुतू और नूह से फिर ही आमिर खुसरो द्वारा लिखी गई है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट विद रिगार्ड टू डिस्कशंस ऑफ द पार्लियामेंट। तो जो डिस्कशन होती है पार्लियामेंट में उसके संदर्भ में दो स्टेटमेंट है आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, ड्यूरिंग द जीरो आवर द मेंबर आर फ्री टू रेज एनी मैटर दैट दे थिंक इज इम्पॉर्टेंट। तो जो जीरो आवर होता है उसमें जो मेंबर है वो फ्री हैं, आज़ाद है किसी भी तरीके का सवाल इम्पॉर्टेंट जो उसके पूछने के लिए। दूसरा है, ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर मिनिस्ट्रीज आर बाउंड टू गिव ओरल आंसर टू ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो जब क्वेश्चन आवर होता है तो उसमें जो मिनिस्ट्रीज होती हैं उनको ओरल आंसर देना होता है, ना कि रिटन, वो चाहे किसी तरीके के भी सवाल हो। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है ए, वन ओनली, इससे पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत नहीं है। ड्यूरिंग द क्वेश्चन आर मिनिस्ट्रीज हेल्ड एवरी डे ड्यूरिंग द सेशन ऑफ पार्लियामेंट मिनिस्टर्स रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन रेज बाय द मेंबर हाउएवर ही इज बाउंड टू गिव ओरल आंसर ओनली टू स्टार्ड क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, ओरल आंसर सिर्फ और सिर्फ स्टार्ड, जो जिन पे स्टार बना होता है वही क्वेश्चन का आंसर इनको ओरली देना है। इन केस ऑफ अनस्टार्ड, अगर वो स्टार नहीं होता है तो उनको रिटन रिप्लाई देना होता है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मेघालय प्लेट्यू इज और आर करेक्ट। तो मेघालय प्लेट्यू के संदर्भ में तीन स्टेटमेंट है आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, यानी जो पेनिनसुलर हमारा इंडिया है, पेनिनसुलर जो हिस्सा इंडिया का उसका एक्सटेंशन है, यानी कि उसका एक भाग है। दूसरा है, इट इज़ रिच इन कोल आयरन ओर एंड यूरेनियम, यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोल आयरन ओर और यूरेनियम पाया जाता है। थर्ड, इट रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल फ्रॉम द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, यानी इसमें जो सबसे ज़्यादा बारिश है वो अरेबियन सी की से जो साउथ वेस्ट मानसून आता है उससे ये रिसीव करता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है बी, वन एंड टू ओनली, से पहला और दूसरा सही है, थर्ड वाला गलत है। जो मेघालय में वो बे ऑफ बंगाल वाले ब्रांच से आते हैं, ना कि अरेबियन सी। कॉमन सेंस है, मेघालय हमारे ईस्ट में आता है और अरेबियन सी वेस्ट में है, तो उधर से हमें रिसीव नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर एट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया। जो पीडीएस सिस्टम है हमारा उसके संदर्भ में दो स्टेटमेंट है आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी जो केंद्र सरकार होती है वही रिस्पॉन्सिबल होती है, उसी की जिम्मेदारी होती है खाद्य पदार्थों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। सेकेंड है, द स्टेट गवर्नमेंट होल्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन, और जो राज्य सरकार है उसके पास जो स्टोरेज फैसिलिटी होती है फूड ग्रेन की उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों के पास होती है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है डी, नीदर वन नॉट टू, यानी कि दोनों ही गलत है। जो केंद्र सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी होती है प्रोक्योरमेंट, यानी खाद्य पदार्थों को किसानों से लेना, उसको रखना, स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना, अगर कोई बल्क एलोकेशन ऑफ फूड ग्रेन होता है तो। वहीं जो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है वो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी बांटने का काम राज्य सरकार करता है थ्रू न्यू नेटवर्क ऑफ फेयर प्राइस शॉप। जो फेयर प्राइस शॉप्स होती हैं गाँव में अक्सर मिल जाएंगे आपको, ये तो ये उनके द्वारा राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि खाद्य पदार्थों को लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नाइन, विद रेफरेंस टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। उपराष्ट्रपति के संदर्भ में तीन स्टेटमेंट है आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द सेम इलेक्टोरल कॉलेज एज दैट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो उसी तरह से चुने जाते हैं जिस तरह से राष्ट्रपति चुने जाते हैं। दूसरा है, एक्ट एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा,
यानी जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो चेयरमैन राज्यसभा के चेयरमैन के एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। थर्ड है, अ रिजोल्यूशन फॉर इज रिमूवल नीड टू बी पास्ड विद द स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ द हाउसेस। अगर उनको हटाने का जो रिजोल्यूशन पास होता है, जो एक बिल पेश की जाती है सदन में, वो दोनों सदनों द्वारा पास होनी जरूरी है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है बी, टू ओनली, सिर्फ सेकंड वाला सही है, पहला वाला गलत है। जो इलेक्शन का तरीका होता है उपराष्ट्रपति का, वो राष्ट्रपति का जैसा सिमिलर नहीं होता है, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा बहुत सिमिलर होता है। बाकी एक डिफरेंस जो मेन ही है कि इसमें मेंबर ऑफ जो स्टेट लेजिस्लेचर है उपराष्ट्रपति के चुनाव में वो लोग पार्ट नहीं लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं यानी कि MLA, ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करते उपराष्ट्रपति के चुनाव में। सेकेंड है, द वाइस प्रेसिडेंट मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द रेजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा पास्ड बाय एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ध्यान दीजिएगा, एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए इनको पास करने के लिए, एंड एग्रीड टू बाय द लोकसभा। और राज्यसभा में एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए और वहीं लोकसभा में भी सहमति चाहिए इनको हटाने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले और आखिरी क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। विद रेफरेंस टू द क्लाइमेट इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो हिंदुस्तान में क्लाइमेट होता है उसके संदर्भ में दो स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड द एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज वेरी स्मॉल। एंड जो अंडमान निकोबार आइलैंड है तो उसका जो साल भर में जो डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, दिन में ठंडी रात में गर्मी वाले टाइप, तो बहुत कम होता है चेंजेस, इतना ज़्यादा नहीं होता है। सेकेंड है, इन द थार डेजर्ट द डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लार्ज। तो जो थार डेजर्ट है हमारा, वहाँ जो टेम्परेचर है डेली का वो बहुत ज़्यादा है, यानी कहना मतलब ठंडी हुई तो बहुत ठंडी, गर्मी हुई तो बहुत गर्मी, इस तरह से। तो उसका सही आंसर है सी, बोथ वन एंड टू, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो चलिए इसके साथ जाने से पहले हम आपको हमारा लास्ट वीडियो यानी जीएस टेस्ट पेपर 153 का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आंसर बता देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लीग कमीशन ऑफ 1924 वाज टू। जो लीग कमीशन 1924 में बनी थी उसकी ऑब्जेक्टिव क्या था, तो मैंने कि उसका उद्देश्य क्या था आपको बताना था। तो उसका सही आंसर है ए, कंसीडर द एथनिक कंपोजिशन ऑफ द सुपीरियर इंडियन पब्लिक सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी जो एथनिक कंपोजिशन है सुपीरियर आईपीसी में, सॉरी आईपीएस में, तो वो एक एथनिक कंपोजिशन को लेके ये था। तो चलिए इसके साथ जाने से पहले आज का यानी जीएस टेस्ट पेपर 154 का आपको क्वेश्चन ऑफ द डे बता देते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, कोहिनूर डायमंड वॉज टेकन अवे फ्रॉम इंडिया टू पर्सिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच मुगल रूलर। जो कोहिनूर डायमंड है हमारा, उसको इंडिया से पर्सिया ले गया था, तो किस मुगल शासक के कार्यकाल में ले गया था आपको बताना है। आपका ऑप्शन है ए, औरंगजेब, बी मोहम्मद शाह, सी फारूक शियार, या डी शाह आलम। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।